नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति जुड़ी खबरों का। आज महाराष्ट्र की राजनीति में बात करूं तो उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा के ऊपर कई लोगों ने टिप्पणी की है। उसमें महाविकास आघाड़ी के जो है कांग्रेस के जो यहाँ के सर्वे यानी नाना पटोले जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्धव जी जो है सीएम की कुर्सी पाने के लिए राहुल का पैर धोने गए हैं। तो इसके पहले आशीष शेलार्जी ने कल कहा था कि वो तो बर्तन धोने गए हैं वहाँ पर। तो ये सब जो टिप्पणी हो रही है, इसी ये तो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उद्धव का जो दौरा है दिल्ली का और जिस तरह से उनके बारे में कहा जा रहा है कि फिर से सीएम बन के आएंगे, ये एक विषय है कि इस पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं। हम जानेंगे कि क्या सीएम दोबारा यानी कि मी पुनः येईल ये उद्धव जी कर सकते हैं क्या, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में है दयानंद नेने जी, राजनीति विशेषज्ञ। तथ्य साहब तो हैं, हम इनसे यही जानेंगे कि क्या उद्धव जी के लिए लड़ाई आसान है महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि विधानसभा लोकसभा के बाद जो है विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित है महाविकास आघाड़ी, और अब जो है सीएम की लड़ाई का जो है बड़ा चीज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको पूछो, अभी नैने साहब से मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा जी मालूमात की। तो नैने साहब, आप ही बताइए कि क्या उद्धव के लिए ये आसान है कुर्सी? फिलहाल वो कुर्सी के लिए ही जो है काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं। संजय राउत भी बड़ी बड़ी बयान कर रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं है इसको लेकर, कुर्सी को लेकर। सबसे पहले जी मैं आपने जो अभी बयान किया कि नाना पटोले ने कहा कि वो सीएम की कुर्सी पाने के लिए पैर धोने के लिए गए, तो ऐसा नाना पटोले ने नहीं कहा है जी। नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से टूटने के बाद भी उद्धव ठाकरे का पक्ष खड़ा रहा है, और ये ध्यान में रख के उसने उधर जाके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैर पकड़ने चाहिए, पैर धोने चाहिए। मतलब ये एक्चुअल ये नहीं है, वो मराठी में जो फ्रेज है उसको कहते हैं कि पैर पकड़ने चाहिए, मतलब उसका पैर धोना चाहिए। साफ साफ कहा, साफ साफ लिखा है। तो वो अलग अलग टाइप इनके मोबाइल पे भी आया जी। तो वो पैर पकड़ना चाहिए, पैर धोना चाहिए, मतलब ये दिस इज ए सिंबॉलिक जेस्चर, वो वर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और उसमें कहीं भी सीएम पद का उद्देश्य नहीं है, नंबर एक जी। दूसरी चीज, उद्धव ठाकरे का दिल्ली जाना, मेरे को एक तो कल भी हमने देखा उलट सुलट बयानबाजी विरोधकों से हो रही है, मतलब उद्धव ठाकरे के राजकीय विरोधकों से हो रही है, और मीडिया में भी हर जगह पे ये चर्चा हो रही है। तो मेरे लिए तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, उद्धव ठाकरे दिल्ली जाना है कोई मुद्दा है क्या, और उसके ऊपर चर्चा करना दो दो दिन के लिए कोई मुद्दा है क्या मेरे हिसाब से जी? क्योंकि उनके उनकी एक महाविकास आघाड़ी है, उनकी दिल्ली में बैठक है, वो बैठक अटेंड करने के लिए वो यहाँ से गए, जैसे यहाँ से शरद पवार भी गए, यहाँ जितेंद्र रावत भी गए, दूसरे चर्चा तो उद्धव जी का ही जाता है। नहीं, तो उद्धव जी का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के ऊपर ही राजनीति इर्द गिर्द उनके घूम रही है महाराष्ट्र की, ऐसी बयानबाजी करते हुए। अगर मैं होता तो मैं ये जो इवेंट है उसको टोटली इग्नोर कर देता, कि ठीक है का आज दोपहर को एक न्यूज है कि एकनाथ शिंदे जी दिल्ली जा रहे हैं शाम को अमित शाह जी को मिलने के लिए, तो ये कोई चर्चा कर रहे हैं उसका? कोई नहीं कर रहा है। तो वैसे ही जैसे ये जा रहे कुछ काम से, वैसे वो कुछ काम से गए, वो उधर जाके बर्तन मांज रहे हैं कि खाना पका रहे हैं, उससे सबको क्या लेना देना है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर ये उद्धव ठाकरे का दौरे का अगर बात करूं मैं अभी आपके परमिशन से, तो मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है, क्योंकि मेरा एक मित्र है जो संजय राउत के बंगले पे ही कल से है लगा हुआ, और वो एक एक दो दो घंटे में फोन करते रहता है मेरे को। अच्छा, तो उसने जो बताया है, और मैं ये बात सिर्फ उद्धव ठाकरे पर्सनली और उसकी पार्टी उबाटा शिवसेना के लिए कर रहा हूं, बाकी कोई पार्टी का इसमें कोई संबंध नहीं है, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना किसी का। तो उद्धव ठाकरे का ये दौरा मेरे दोस्त ने जो दिल्ली से बताया, तो उनकी एक राष्ट्रीय नेता करके इमेज बनाने के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है, ऐसा उसने कहा। और उसके कारण मैं बताता हूँ, कल कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के प्रभारी है रमेश चेन्नीथाला, वो उन्हें मिलने को गए, उसके बाद में दिग्विजय सिंह उनको मिलने को गए, उसके बाद में शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा है, तो उनका लड़का आदित्य यादव मिलने को गया,
फिर महाराष्ट्र के विशाल पाटिल और कल्याण काळे जो जालना से सांसद चुन के आए, विशाल पाटिल सांगली से है और विश्वजीत कदम, ये सारे लोग उन्हें मिलने को गए एक के बाद एक, एक के बाद एक करके। और सबसे महत्व की बात, आज सवेरे आज दोपहर को शरद पवार जी खुद संजय राउत के बंगले पे उद्धव ठाकरे को मिलने को गए। उद्धव ठाकरे शरद पवार जी के बंगले को मिलने को नहीं गए, शरद पवार जी संजय राउत के बंगले को में उद्धव ठाकरे जी को मिलने को गए। तो ये सारे, और आज शाम को 5:30 बजे उनकी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी के साथ मीटिंग है। तो ये उनका शेड्यूल अभी तक का जो रहा है, तो उसके हिसाब से जो उसने बताया कि खास करके शरद पवार जी आना और ये बाकी सब नेतागण तो मिल ही रहे, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है और दिल्ली में उनका कद अच्छी तरह से बढ़ गया है ये विजिट के बाद में, ऐसा अभी तक जो लग रहा है उससे, जो जानकारी मिली है उससे ये ऐसे लग रहा है अभी तक। लेकिन आपने जैसे कहा कि नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस की वजह से उद्धव जी खड़ा हो पाए, तो हम इसका अगर उल्टा सवाल करें कि क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि उद्धव जी की वजह से ही कांग्रेस और एनसीपी जो है 2019 में जिंदा हो पाई, आज जो स्थिति बनी हुई है? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि जी 2019 में वो दोनों उद्धव जी उधर गए करके सत्ता में आ गई जी, वो मरे हुए नहीं थे, वो जिंदा थे। 50-56 सीटें राष्ट्रवादी को भी मिली थी और 44 सीटें कांग्रेस को भी मिली थी जी, तो दोनों की मिलकर 100 सीट तो थी जो पहले से है मतलब जी। और देखो कांग्रेस के एक बड़ा बड़ है और उसको प्रारंभ आपन मंटो मराठी मध्ये, तो वो आती है और वो जमीन में घुसती है और उसका दूसरा पेड़ शुरू होता है, वैसे कांग्रेस का हुआ है सालों से कि एक कांग्रेस जो मूल है वो तो है और फिर उसके ऑफशूट्स बने, कोई राष्ट्रवादी बना है, फिर उधर तृणमूल कांग्रेस बना है, ऐसे करके एकदम। तो अगर आप दोनों को मिला के देखो तो वो जो वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है, भले वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को दे रहा है होगा या राष्ट्रीय कांग्रेस को देता है, पर वोटर वो कांग्रेस का है। तो कांग्रेस का वोटर बरकरार था, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी या तो उनको एक हर एक को उठने के लिए कुछ सपोर्ट लगता है, तो वो उनको सपोर्ट उद्धव ठाकरे का मिला। तो ये जैसे मैं कल भी बताया, लीव एंड लेट लीव जो होता है, तो ये सिचुएशन है, जैसे उद्धव को उनकी मदद हुई वैसे इनको उद्धव की मदद हुई। हाँ, इसमें कुछ ज्यादा उसके अंदर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सर आपसे मैं आपका आपके ओपिनियन लेना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में उद्धव जी के? दौरा तो ठीक है, दौरा तो होते रहता है, लेकिन दौरे के ऊपर जो टीका टिप्पणी हो रही है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? टीका टिप्पणी करती है विरोधी, तो उनको करनी चाहिए वो टिप्पणी। अभी ये तुम्हारा पटोले तेरे क्या करे, उसका उसका मुंह है पटोले, तो सर साथ में है ना, वो तो भाग्या गाड़ी के पार्ट है, मगर वो पागल है, बच्चा जब होता है और वो सुन नहीं रहा होता है तो माँ बाप क्या बोलते है कि मी त्याला ओरडतो तू त्याला सावरून घे नंतर। तो वे ऐसा कांग्रेस का लग रहा है मुझे, हाँ तो ऐसा कांग्रेस का लग रहा है, पटोले यहाँ से टोकेगा, उधर सोनिया जी और राहुल बैठे हैं उसको शांत करने के लिए। लेकिन पटोले जो मैसेज देना है वो पटोले दे रहा है उसको, लेकिन पटोले के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना, कोई उनके ऊपर लगाम लगाया जा रहा है नहीं, बिकॉज वो उनके सम्मति से हो रहा है। अच्छा, हाँ, इनको वो जो मैसेज नहीं दे सकते वो यहाँ से दे रहे हैं उसको, तो मैसेज पास हो गया, ये गुस्सा हो गया तो भैया हम उससे बात करते हैं, आप शांत हो जाओ। हाँ सर, ये कुर्सी लड़ाई क्या मानते हैं आप? ये कुर्सी लड़ाई होने वाला है, पक्का होने वाला है कि राष्ट्रवादी भी चाहती है कि उनको कुर्सी मिले क्योंकि सुप्रिया सुले को उनको बड़ा करना है, पटोले साहब भी यहाँ पर पूरी तैयारी में है कि कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी बन के आएगी और सीएम उनका बनेगा, और उद्धव जी किसी भी हालत में सीएम के अलावा कोई दूसरा बात ही नहीं करना चाहते, तो तीन तीन सीएम कहाँ से आएंगे फिर, कैसे बनेंगे? नहीं नहीं, अगर माँ अगर आती है और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती है, नंबर दो शिवसेना को मिलती है और नंबर तीन पे शरद पवार रहते हैं, तो किसी भी हालत में ये हालत में मतलब किसी भी नहीं ये हालत में उद्धव का बनना तय है। अभी उद्धव हो गया फाइनल, उद्धव हो गया फाइनल, हमारी भी आज की जानकारी वही थी कि लगभग उद्धव ठाकरे को सीएम फेस करके वो प्रोजेक्ट करेंगे, ये लगभग तय है। चुनाव के पहले या बात बहुत स्ट्रेटेजी की बात उनकी है, वो अपने संजय राउत वगैरह सब बोलते रहेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे कि भाई उद्धव ही बन रहा है,
और ये लोग बोलेंगे कि चुनाव के बाद देखते हैं, मगर लोगों को समझ में आएगा अगर नहीं बनाया तो, अगर 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 नहीं बनाया तो उद्धव को सत्ता ही नहीं आएगी उनकी। अगर उद्धव को नहीं बनाया तो उद्धव थोड़ा इन लोगों की सत्ता आने देगा, वो मोदी जी के साथ जा सकते हैं, उसमें क्या फर्क है, क्योंकि वैसे भी बाकी के लोगों के वोट्स कम ही रहेंगे, मतलब वो आमदार तो उनके साथ जाएगा, उसको क्या पड़ी है, और वो तो वेलकम करने के लिए तैयार ही है। इधर अजीत दादा भी चुपगाट कर रहे हैं, नहीं सभी कर रहे हैं ना जी, सभी कर, शिंदे साहब नहीं कर रहे मगर अजीत दादा भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो सरकार बनेगी जी, वो किसकी और कैसी बनेगी, कौन से दो तीन पार्टी एक साथ आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं, पर उद्धव का वहां से तय हुआ है, तो यहाँ से शिंदे साहब का तय होना जरूरी है, तो फडणवीस के ब्राह्मण होने के कारण महायुति को बहुत महंगा पड़ेगा जी सर। बस आज का चर्चा यहीं पर है कि उद्धव जी के ऊपर जो टिका टिकड़ी खासकर हो रही है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे सिर्फ बताना चाहता हूँ, बताइए। देखिए हम जब एनालाइज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अपने को मैक्रो पिक्चर देखना चाहिए, जो छोटी छोटी मामले है कि इसने उसको डांटा, इसने उसको गाली दिया, ये सब बातें राजनीति में होती रहती है और अभी दो महीने और ज्यादा बढ़ेगी, रोज कोई उठपटांग बात, एक नेता कहेगा दूसरा उसको उलट पलटवार करेगा, ये सब होता रहेगा। आप या अपन जब एनालाइज करते हैं तो अपना फोकस एक ही रहना चाहिए कि दो आघाड़ियां है, उनका अल्टीमेट गोल सत्ता है और वो वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी क्या चाल चल रहा है और वो हर चाल का अर्थ क्या है, स्ट्रेटजी। अभी मैं एक चीज तो बिल्कुल मानता नहीं हूं कि महाआघाड़ी में अनबन है, ये महायुति की तरफ से अभी जो नैरेटिव दिया जा रहा है और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे क्योंकि वो गलत तरीके से वो नैरेटिव दे रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी से सारी घटनाक्रम देखो, इंडिया आघाड़ी बनेगी ही नहीं, इंडिया आघाड़ी रोज टूट रही थी बीजेपी के और उनके सहयोगी के मतलब एनडीए के नैरेटिव से, पर वो बनी और लगभग उन्होंने अपना गोल साध्य किया, झटका मतलब जबर झटका दिया, माने या न माने पर झटका जबर मिला है, ये वास्तव है। तुम्हारा ये नहीं होता तो चंद्रा बाबू तो इनकी सरकार आ जाती, इनकी सरकार अगर इनके साथ आते थे हाँ, जो कि इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था हाँ, तो इसके वैसे ही अभी देखो आप एक बात देखो, अगर इनमें अनबन है ऐसे आपने मान भी लिया कि इसमें महागाड़ी में, तो यहाँ पे कौन सी अच्छी परिस्थिति है, यहाँ पे भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता उसको अजीत पवार चाहिए ही नहीं और ये खुल के बात होती रहती है भाजपा में कि इसको हटाओ इसको निकालो, वो छोड़ो शिंदे जी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा करके भी सब लोग आपस में बात करते हैं भाजपा में, कि मराठी में कहावत है सुनती वासून खोखला जाण, तो वैसा कि ऑटोमेटिकली अपना प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा फिर फडणवीस आ जाएंगे तो क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, नहीं देखो ये गॉसिप मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई करने की सोच रहे हो मतलब होना चाहिए और ये क्या मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उधर नाना पटोले ने बोला तो इधर भी ऐसे लोग बोलते हैं, तो ये बातें होती रहेगी, अपने को देखना है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो आज जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है, और अगर आज जो हम दोपहर को हम ट्रैक कर रहे थे एक्चुअली दोनों कि हमको जो बात आई कि उद्धव ठाकरे का नाम ऑलमोस्ट तय हो गया है, ये अगर सच्ची में हुआ होगा तो इट इज ए ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी हमारे हिसाब से। Yes. एक साथ रहेंगे, उसने 2.5 साल रखा था साथ में सबको, सब लोग साथ में थे, अशोक चव्हाण पुराने मुख्यमंत्री उसके नीचे आए गए, अरे उनको गिराया गया, उनको गिराया गया, अरे गिराया गया उनको यार, अभी वो गिराया क्यों गया और वो सब बातें में करने की जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि फिर वापस वो खोके बीके सब चीजें आ जाएगी यहाँ पे, वो खुद नहीं गिरे, मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ, ये मन से निकाल डालोगे खुद गिरे, उनको गिराया गया, साजिश करके गिराया गया, मैं भले भाजपा का हूं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूं पर एज ए एनालिस्ट मैं जब सोचता हूं तो ऑब्जेक्टिवली सोचता हूं और ये बात मुझे मानने में कोई और बात करने में भी कोई शर्म नहीं है कि उनको साजिश करके गिराया गया उनके सरकार को, तब जाके सरकार गिरा, और अगर वो इतना सिंपल होता था तो अभी तक कोर्ट केस चालू नहीं होती, गिराया ना, फिर अगर सत्ता में आते हैं क्या गारंटी फिर से नहीं गिराएंगे,
गिराएंगे 100% गिराएंगे तो गिराएंगे 100% गिराएंगे। कौन ना बोल रहा है इनकी सरकार महाराष्ट्र में यही होता रहेगा, एक एक साल दो दो साल सरकार बनती है, अनेक राज्यों में हुआ है इसके पहले। और एक बात देखो, महाराष्ट्र में 1994 से आज तक कोई भी एक पार्टी की सरकार नहीं आई है, सारी सरकारें 1994 से आज तक 30 साल से वो साझा सरकारें ही आई है। तो जब ये 30 साल का इतिहास है तो वही थोड़ा और अभी आगे चलेगा, जब तक यानी वोटरों का धोखा होता रहेगा कौन किसे सरकार बनाएगा पता नहीं। सर वोट ना ऐसा क्या बोलते हैं, देखो वोटर होता क्या, वोटर ने अगर एक पार्टी को वोट दिया और उनको पूरा बहुमत दे दिया तो नहीं होगा धोखा, तो कोई भी एक पार्टी हो, एक पार्टी कहाँ खड़ी होती है सब जगह अलायंस करके ही खड़ा। तो वोटर की तो गलती नहीं है ना, वोट गलती पार्टियों की है। अब जैसे बीजेपी और शिवसेना को अलायंस को वोट दिया और शिवसेना चले गई 2014 में, ठगी हुआ ना 2014 में, सारे लोग अलग अलग लड़े थे उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया 123 सीट पे बराबर, क्यों नहीं दिया उस वक्त पूरा बहुमत, देना चाहिए था। तो एक पार्टी की सरकार आती थी, एक पार्टी की सरकार आती थी अच्छी तरह से चलती भी थी, हाँ वो नहीं होने दिया। तो दादा चाहते ही नहीं कि एक पार्टी की सरकार बने, इसीलिए मोदी का भी वोट कम दे दिया, मोदी को भी क्लियर मेजोरिटी होनी नहीं चाहिए ऐसा उनको लगा। एनीवे हमारा चर्चा तो यही था कि उद्धव जी का जो दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे के ऊपर जो टिप्पणी, आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।